गोशों में बातें करती हैं, पूछती हैं कि तुम कहां गई। आज मैंने बता रहा हूं कि तुम चली गई। तुम अपनी जबान बंद रखो तो बेहतर होगा। बहुत खून बहा है उसका, सुबह डॉक्टर्स कंडीशन देख के डिस्चार्ज कर देंगे। डराने के लिए आप लोगों से एक मजाक किया और इतनी बड़ी सजा दे दी। ड्रामा सीरियल तकदीर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। हमना रूमी की माँ से कहती है कि आखिर क्या चक्कर चल रहा है आपकी बेटी का। इस पर रूमी की माँ कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो इस पर हमना कहती है कि रूमी और असद का क्या चक्कर चल रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ। इस पर रूमी की माँ गुस्से से हमना से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ये क्या बात कर रही हो। पर हमना कहती है कि मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बेटी के चर्चे उसके पूरे ससुराल में फैले हुए हैं और आपको ही नहीं पता। तो इस पर रूमी की माँ कहती है कि हमना अब एक और लफ्ज मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते साथ ही हमना कहती है कि अब आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकती, अरसल भी नहीं। अब देखना अरसल के दिल में रूमी के लिए क्या जहर घोलती हूँ मैं, वो खुद रूमी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा। क्या रूमी की माँ हमना को ऐसा करने से रोक पाएगी या नहीं, कमेंट्स में बताएं।